केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं अगर कांग्रेस के समर्थन से बनने वाली शिवसेना सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। रामदास अठावले बोले उन्होंने अमित शाह से बात की है और अभी भी उम्मीद है सरकार बीजेपी शिवसेना की ही बनेगी। शिवसेना बोली कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं अपने दम पे बनाएंगे। तो ठीक है, अगर वो अपने दम पर बनाना चाहते हैं तो बनाए, लेकिन कांग्रेस एनसीपी का सपोर्ट लेकर अगर वो सरकार बनाते तो अननेचुरल अलायंस होगा। और मुझे लगता है कि भाई हम उनको शुभेच्छा देते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बनने का शौक और मुख्यमंत्री बनने की बहुत इच्छा अगर उद्धव ठाकरे जी की है तो वहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन ये जो अलायंस है अलायंस अननेचुरल होगा और ये अलायंस ज़्यादा नहीं टिकेगा ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि अमित शाह को अभी भी कोशिश करनी चाहिए या बीजेपी को कोशिश करने की साथ अगर होते तो ज़्यादा अच्छा होता बीजेपी और शिवसेना? तो बीजेपी ने कोशिश भी की है लेकिन अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो ढाई ढाई साल की मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और बीजेपी बोल रहे ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। 50-50% सत्ता की भागीदारी देने का तय हुआ तो उसके लिए हम तैयार है और डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार है लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार नहीं है। सर एक सवाल की यहाँ पे एक चीज एनडीए में क्या लगता है, कई लोगों ने सवाल उठाया कि कोई कन्वेनर होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि कन्वेनर हो तो अच्छा होगा? नहीं, कन्वेनर मतलब अगर कोई एनडीए का वैसी जरूरी नहीं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी मतलब है ही, अगर कन्वेनर के संबंध में अगर कोई सर्वमत से कोई कन्वीनर अपॉइंट किया जाता है तो ठीक ही है, लेकिन अभी तो चल ही रहा है, अभी 5 साल हमने चलाया हो रहा है क्योंकि कुछ कुछ सहयोगी जा रहे हैं, बार बार उठ रहा है सवाल, कल भी मीटिंग में उठाया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं जा रहे, मतलब शिवसेना जो चली गई और कोई नहीं जा रहे और भी दूसरे आई गई।